मैन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है दोस्तों। अगर आपके पास भी कैनन का कोई सा भी कैमरा हो, उससे दोस्तों आपको यहाँ पे फोटोज यहाँ पे वीडियो को दोस्तों मोबाइल में सेंड करना नहीं आ रहा है या फिर तो एक्सपोर्ट करना नहीं आ रहा है, तो कैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों कैनन की कोई भी DSLR कैमरे से आप अपने मोबाइल में पिक्चर्स डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लेते हैं तो पहले आपको कार्ड निकालना पड़ेगा, फिर लैपटॉप में लगाना होगा, तो ये काफ़ी दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है। बट मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों डायरेक्टली आप अपने कैमरे को मोबाइल से कैसे दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कैमरे की लाइव शूटिंग, वीडियो, फोटोज कैसे डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में ले सकते हो। तो आज के ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो की लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे कैनन का 200D Mark II कैमरा है। इस कैमरे से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपने फोटोज या वीडियोज अपने मोबाइल में डायरेक्टली ले सकते हैं बिना किसी लैपटॉप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने अपने कैमरे को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको करने क्या होगा, सिंपल से आपको एक मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस मेन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, और एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है। इन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक। तो आपको सबसे पहले करना है वाईफाई के थ्रू, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करके ओके का ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो आप जैसे ही क्लिक करोगे ना इस वाला ऑप्शन पे, ओके करोगे तो गाइस देखो इस टाइप से इंटरफेस आएगा। आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड अ डिवाइस टू कनेक्ट, है ना। यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, पेयर टू ब्लूटूथ, कनेक्ट बाय वाईफाई। तो कनेक्ट बाय वाईफाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा मेरे पास एक मोबाइल है यहाँ पे, ठीक। अभी मैं इसमें कनेक्ट करके बताऊंगा। देखो हमारे पास मोबाइल है, इसमें मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। मैंने अभी ब्लूटूथ ऐप ऑन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ ऐप ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको करने क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। इसको पहले मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड भी यहाँ पे आपको एंटर करने पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है पहले ही, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड देना। अभी पासवर्ड कैसे देना, कौन सा पासवर्ड देना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो मतलब कि कनेक्ट होने पर जो पासवर्ड देना है वो ये वाला पासवर्ड देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2294 39, ठीक। तो ये वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे वाईफाई में, जहाँ पे आप मोबाइल में कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे ये वाला पासवर्ड आपको एंटर कर देना है। तो जल्दी से मैं ये पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। देन दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कनेक्टिंग अभी चल रही है, तो वेट कर लेते हैं कुछ टाइम का। यहाँ पे कनेक्ट काफ़ी जल्दी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सब करने से पहले सर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, तो ये आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है कैमरा कनेक्टेड, ठीक। कैमरा कनेक्टेड आप पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टाइप से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप देखो जैसे मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद ये दोस्तों मेरा कैमरा है ना वो वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही आपका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद आपको करने के है आपको एप्लीकेशन को, मतलब मैंने आपको बताया इंस्टॉल आपको कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करोगे ना तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। आपको एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करोगे तो स्टाफ से इंटरफेस आएगा, एग्री कर दीजिएगा। देन दोस्तों स्टाफ से ऑप्शन आएगा, इसको स्लाइड कीजिए। यहाँ पे गेट लेट स्टार्ट इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे स्टाफ से ऑप्शन आएगा रजिस्टर योर कैमरा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे देखो ये मेरा डिटेक्ट कहाँ पे कर लिया, EOS 200D Mark II। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कनेक्टिंग अभी हो रहा है, जैसे कि आप देख पाओगे कैमरे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग चल रही। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यही वाला आपका है जो, जैसे कि आप ये बता रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे वीजी देखो यहाँ पे कनेक्टेड फाइनली यहाँ पे हो चुका है, कनेक्शन एस्टिमेटेड, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली अभी मैं जाता हूँ मोबाइल में, और यहाँ पे आप देख पाओगे वाईफाई कनेक्शन इस टाइप से आ रहा है। उसके बाद ओके यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करोगे फाइनली आपका दोस्तों जो कैमरा है ना वो मोबाइल से यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, ठीक। उसके बाद आपको करने क्या होगा, देखो यहाँ पे कनेक्ट तो हो चुका है। उसके बाद अभी आपके फोटोज वीडियोज यहीं से आएंगे, तो सबसे टॉप पर आपको इंपोर्ट फोटोज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फोटोज वगैरह कैमरे में कुछ नहीं है, अभी मैंने सब यहाँ पे डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे वीडियो वगैरह है, अभी मैं कोई भी एक वीडियो एक्सपोर्ट कर आपको करके बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है, आपको सिंपल से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, या सभी करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे कोई सी भी एक इमेज पे क्लिक कीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे पूरा एक्सपोर्ट नहीं करना है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे व्यू, जंप, इंपोर्ट
और एप्स, इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, इम्पोर्ट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे स्टार्ट इंटरफेस आ जाएगा, ठीक, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, अभी देखो ये एक्सपोर्ट यहाँ पे होने लगी है और कुछ ही देर में दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। फाइनली आप देख पाएंगे यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, देखो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। अभी मैं जाता हूँ गैलरी में। तो भाई जैसे ही आप गैलरी में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे कैनन ईओएस करके एक फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ये वाली वीडियो यहाँ पे मैंने की हुई थी और ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये आ चुकी है, ये देख सकते हैं अभी चल रही है, ठीक। तो गाइस आप इस टाइप से कोई भी मतलब कि यहाँ पे फोटोज हो वीडियो हो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं कैमरे से कनेक्ट करके, ठीक। और ये तो मैंने बता दिया इंपोर्ट करने का, अभी मैं सूट का आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, सूट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये सूट का बताने लगेगा लाइव, हमें कैमरे में जो भी शूट करोगे ना वो यहाँ पे शो होगा। और यहाँ से लाइव शूट देखते देखते दोस्तों इसको आप यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हो, शूटिंग वगैरह, अपर्चर है ना, और यहाँ पे ये शटर स्पीड, ये सब भी आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हो कैमरे की बिना मदद से। कैमरे एक बार कनेक्ट कर लीजिए, यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हो, वीडियो को एंड कर सकते हो, ऑन कर सकते हो वीडियो को। यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे ऑन करने के लिए सिंपल से यहीं से दोस्तों आप यहाँ पे अपर्चर, शटर स्पीड ये सब कर सकते हो। उसके अलावा सेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो को ऑन करना है तो वीडियो भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। मैंने अभी वीडियो पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना। और अभी मैं कैमरे पे ले चलता हूँ आपको। तो गाइस देखो अभी मैं कैमरे पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी देख पाएंगे, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट चल रही है, ये देखिएगा। तो गाइस इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। तो इस टाइप से आप पूरा कंट्रोल अपने मोबाइल से कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। मैंने फाइनली आपको बता दिया कि कैसे दोस्तों आप अपने कैमरे से डायरेक्टली मोबाइल कनेक्ट करके उनके फोटोज, लाइव शूटिंग, वीडियोज वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने मोबाइल में, यानी इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।